नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डाल लेते हैं मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दे दी है, लेकिन राजस्थान सरकार की यह सुविधा अब आम अभ्यर्थियों के लिए दुविधा में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से जयपुर में कड़कड़ाती ठंड में हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सरकारी लापरवाही से जहां कुछ अभ्यर्थी निर्धारित वक्त तक परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके, वहीं कुछ ने आखिरी वक्त में मजबूरन निजी बसों में सफर कर परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश की। राजस्थान के अंदर कई हिस्सों में बारिश बूंदाबांदी से ठंड फिर बढ़ गई है। बात करें जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में, तो वहां पर रविवार को अलग अलग जगह पर बारिश हुई है और जयपुर नागौर में देर शाम 2.2 mm बारिश देखने को मिली है। सीकर के फतेहपुर और अलवर में 0.5 mm पानी गिरा है, तो इसके साथ ही बरसात और मध्यम तेज हवाएं और कपकपाती भी देखने को मिली है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में बारिश होने की संभावना आज भी है और इससे एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं और अब दिन में भी ठिठुरन होने लगेगी। यह साल यानी 2021 इसका यह आखिरी सप्ताह है। विंटर वेकेशन, घरों से लेकर के बाजारों तक उत्सव का माहौल, हर सेक्टर में तेजी भी आ सकती है। तो राजस्थान पर्यटन विभाग के मुताबिक जाते हुए साल की विदाई में हर तीसरा देसी पर्यटक राजस्थान आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के चलते हुए पाबंदियाँ लगाई गई हैं। राजस्थान ओमिक्रॉन संक्रमण में तीसरे नंबर पर आ चुका है, लेकिन सभी रोगी पूरी तरह स्वस्थ हैं और नेगेटिव भी हो चुके हैं। राजस्थान में रविवार को कोरोना केसेस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 24 घंटे में प्रदेश में 62 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 46 मामले अकेले जयपुर के हैं, तो जयपुर में 6 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक ही दिन में संक्रमित 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए। इससे पहले तक औसतन 15 पॉजिटिव आते रहे। वहीं 19 जून को जयपुर में 55 मामले सामने आए थे और जयपुर में बढ़ते केस अब प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। राहत बस इतनी है कि नए मरीजों में कोई भी गंभीर नहीं बताया जा रहा। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार अब अपने कई बड़े फैसले और बजट घोषणाएं प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन के प्रस्ताव के आधार पर लेगी। जनवरी में कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिवेशन बुलाकर के प्रस्ताव पास किया जाएगा, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में आज से जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में शुरू हुए कांग्रेस के 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप में यह घोषणा हुई है। इस दौरान गहलोत ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छे फैसले हुए हैं, हमारी योजनाएं बहुत शानदार हैं और कार्य भी कर रही हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।